ये वीडियो जाएगा यूट्यूब में, ठीक है? तो गाइस, वीडियो हाँ सुनो भाई, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? मिसलेनियस, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, मिसलेनियस सेट्स का, मिसलेनियस का कंप्लीट आंसर करेंगे, ठीक है? मिसलेनियस का तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन क्या है बताओ। बताओ रे भैया, डिसाइड, ये तो हो जाए भैया भैया, सेकंड से कीजिए, फास्ट वाला हो जाएगा। फास्ट वाला हो जाएगा भैया, बस थोड़ा इजी है। तुम्हें क्या करना है, नहीं पता मोबाइल है साथ इसका सारा? सुनो, पहला वाला क्वेश्चन कैसे करना है, देखो जो भी यूट्यूब में देख रहे होंगे उनको तो पता होना चाहिए आंसर कैसा है। तो देखो, पहला सबको क्या करोगे, सारा कंडीशंस को तुम क्या करोगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तुम देख लो कौन किसका सबसेट है, कहीं इसमें बोला कि कौन किसका सबसेट है वो देखना है, बताना है। तो पहला क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला बताओ, क्वेश्चन हेडिंग पढ़ो। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो तुम्हें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स आर क्यों ट्रू। यस और नो, यस और नो। अगर बोला है इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, अगर प्रूव है ना, मतलब इफ इट इज ट्रू क्यों प्रूव इट, एंड इफ इट इज फॉल्स, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? इंग्लिश आता है तुम लोगों को समझ में? देखो ये हेडिंग अगर समझ में आएगा तभी तो तुम क्वेश्चन में जा पाओगे। तुम्हें बोल रहा है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है ना जो दिया हुआ है तुम लोग को, देख सकते हो बुक में, वो ट्रू है कि नहीं है। अगर वो ट्रू है, इफ इट इज ट्रू देन उसको प्रूव करो, ठीक है? प्रूव इट। इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है ना तो एग्जाम्पल दो उसके लिए। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, चलो एक पहला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ देखो, अरे बिल्कुल भाई, तो रे क्या हुआ रे? स्वागत, बताओ। भैया अनुराग को समझा रहा था थोड़ा। अरे सर, समझाने का काम मेरा है, अभी अभी क्लास में हो तुम, ठीक है? हाँ इधर देखो, ये पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, समझ में आया, एंड ए बिलोंग्स टू बी देन। तुम्हारा भी डाउट था ना, अगला क्वेश्चन एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो अब सुनो जेपी, अगर इफ यू वांट टू टॉक देन यू कैन गो सिस टू दैट रूम एंड यू कैन प्लीज। समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे, देखो ये हमें बोलना, हमें देखना क्या पड़ता है पता है, अगर ये चीज होता है, होल्ड करता है, देन ये भी होल्ड करेगा क्या? समझ में आया? जैसे बोलते नहीं कि अगर तुम्हारे पास, इफ यू हैव ₹10 देन देन तुम चॉकलेट खा पाओगे, ये सर नो, हाँ कि ना? अगर तुम्हारे पास ₹10 है तब तुम चॉकलेट खा सकते हो, अगर नहीं है तो कैसे खाओगे? सिंपल से बात है भाई, है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टेटमेंट क्या बोल हाँ रहा है? भैया, तो तुमको क्या बोला, तुम्हें गिवन क्या है? देखो तो तुम्हें गिवन ये है, तुम्हारे पास तुम्हें ये दोनों स्टेटमेंट हो रहा है, होल्ड कर रहा है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है तो ये भी होल्ड करेगा क्या? वो है, अगर करेगा तो प्रूफ करना है, नहीं करेगा तो एग्जाम्पल। तो तुम पहले ना एग्जाम्पल सोच लेना, हमेशा हमेशा क्या करना है, एक एग्जाम्पल सोच लेना स्टार्टिंग। अगर एग्जाम्पल सेटिस्फाई हो गया ना तो तुम थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि ये बात सच हो गई, तुम लोगों को पता है इसका मतलब। तुम्हें किसका मतलब पता होना चाहिए अंशुमन, तुम्हें मतलब किसका पता होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए? ये जो सिंबल है ना, इसका, ये सिंबल का मतलब पता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है ना? देखो ये क्वेश्चन में ना पूरा सिंबल इसी काम है, इसी सिंबल का काम है, इसी सिंबल का काम है। हाँ हम लोग ये सिंबल कब यूज करते हैं, इधर देखो ये, जब एक सेट, सपोज एक सेट लिया, एक सेट में 1 2 3 एक तीन एलिमेंट है, तो यहाँ पर ये जो ये अंदर वाला क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है, हाँ कि ना? एलिमेंट कहलाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि वन बिलोंग्स टू ए, क्लियर है? आया ना, समझ में आया कि नहीं? ये जो वन है, ए का एलिमेंट है, तो ये बिलोंग्स टू क्या होता है, हाँ ये बताता है कि कौन किसका एलिमेंट है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? भैया आया ना, बहुत बढ़िया। तो अब देखो तुम्हें क्या बोला है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स ए के अंदर है, एंड ए जो ना बी के अंदर है, देन ये होगा कि वो सेम एक्स बी के अंदर होगा, ये जरूरी है क्या? बोलने का मतलब समझे? इसको अगर मैं सेट के जैसे दिखाऊं तो इसका मतलब क्या होता है, देखो हम लोग बिलोंग्स टू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स।
हाँ चलो ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है ना वो एक्स को कंटेन करता है, एक्स को कंटेन करता है। X1 ले लीजिए। रुको रुको, वो करेंगे यार, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो पहले। अब मैं जो बोल रहा हूँ वही सुनना है और समझना है, समझ में? इसका मतलब यही हुआ ना, यही हुआ ना जो मैं लिखा हूँ कि एक्स क्या है, ए का एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब ब्रैकेट के अंदर है। और ये जो बी है ना, बी का एलिमेंट कौन है, बी का एलिमेंट कौन है, ए है, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए लिखूंगा मैं, ये सब नो है ना। अरे एलिमेंट कौन होता है, कर्ली ब्रैकेट हाँ भैया, एलिमेंट बोलते हैं ना, अगर ए बिलोंग्स टू बी और मतलब बी एलिमेंट है, और एलिमेंट है मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया? अब ए देखो, ए तो हमारे हाँ पास क्या भैया, है, ए क्या है, पूरा ए इज इक्वल टू पूरा क्या, ये है मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या था, ये कर्ली ब्रैकेट रहा, ये कर्ली ब्रैकेट तो रहा क्योंकि कर्ली ब्रैकेट पहले थे। अब ए के जगह में क्या डालेंगे, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है, कर्ली ब्रैकेट ए, कर्ली ब्रैकेट ये एक्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, क्लियर हाँ है नहीं भैया, क्लियर हाँ है? भैया, अब बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू दिख रहा है क्या, मतलब तुम्हें पता नहीं एलिमेंट, पता है ये अगर एक सेट है ना, तो एक सेट में ना ये और ये दोनों का मतलब अलग अलग होता है। यहाँ पर ना ये जो वन ना नॉट इक्वल टू ये वन, ये दोनों अलग अलग है, कीप दिस इन माइंड, दिमाग में डालो इसको, ये दोनों अलग अलग है, ये कर्ली ब्रैकेट वन है, ये वन है, समझ में आया ना? तो बताओ अब देखो ए का, अब बताओ ये जो एक्स है वो मतलब यहाँ पर जो बी का एलिमेंट है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्स बी का एलिमेंट है, बताओ यहाँ इसको देख के मैं बोल सकता हूँ कि एक्स बी का एलिमेंट है, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना? हाँ नहीं भैया, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं सर एलिमेंट क्या होता है पता है तुमको, कितना और बताया कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो है वो एलिमेंट है। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट कौन सा है, बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट है ना, बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट के अंदर में भैया, जो भी होगा वो सारा भैया एलिमेंट है। तो यहाँ पर ना ये एलिमेंट नहीं है, क्या एलिमेंट है, ये देखो हाँ ये एलिमेंट है, ये कर्ली ब्रैकेट के साथ जो है वो एलिमेंट है बी का, ये देखो ये, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया बताओ? भैया, तो नहीं बोला, नहीं बोला था। अच्छा नहीं बोले थे क्या, समझ में हाँ आया ना, बहुत बढ़िया। तो अब देखो तुम्हें क्या बोला जा रहा है, तो बताओ ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, हाँ कि ना, अगर देखा जाए ऐसे तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि तो मुझे बोला था कि अगर ये ट्रू होता है और ये ट्रू होता है तो ये भी ट्रू होगा, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो कहीं बिलोंग ही नहीं कर रहा है एक्स, हमारा तो कर्ली ब्रैकेट एक्स बिलोंग कर रहा ना, ये पार्ट किसको समझ नहीं आया जल्दी बताओ, ये पार्ट किसको समझ नहीं भैया आया? अनुराग हाँ अनुराग का डाउट है, भैया हाँ अनुराग बताओ, इसमें क्या डाउट है तुम्हारा, बताओ कौन सा लाइन समझ नहीं आया? अरे ओपन रहो यार, क्लियरली बोलो, कोई इशू नहीं है, मैं सारा चीज समझाऊंगा। अरे भाई डाउट पूछने से मैं मना कर रहा हूँ कि तुम बोलो ना, क्या वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा और एक बार और एक बार भैया, बताओ। और एक बार थोड़ा और एक बार, चलो बहुत बढ़िया, और एक बार बताता हूँ ठीक है, देखो ये मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या बोला है, तुम लोगों ना पूरा मस्त से बता रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से सुनो, मेनली क्या पता है तुम लोगों ना, वो मेरे को लगता है तुम लोगों को बिलोंग्स टू वगैरह का मतलब पता नहीं है, मतलब पता है सबको पूछ रहा हूँ, सबको पता है, भैया पता है, पता पता है जिसको पता है वो समझ गया, जिसको पता नहीं है वो उसके लिए थोड़ा सा डाउट है, डाउट क्यों है, क्योंकि बिलोंग्स को मतलब तुम्हें पता नहीं है। सर इधर देखिए, अगर जीवन मान आपका लेते हो होगा, ना कर्ली ब्रैकेट, ये बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट है ना, ये इसके हाँ अंदर में भैया, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो सब कोई, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो भी रहता है ना वो ए का एलिमेंट कहलाता है, जैसे ये वन हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट वन हो गया, ये टू हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट वन कॉमा टू हो गया, थ्री कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला, तो ये सारा ना एलिमेंट क्या क्या है पता है, ये जो वन बिलोंग्स टू ए, ये कर्ली ब्रैकेट वन बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे फॉर श्योर कि यहाँ पे ये दोनों जी इक्वल नहीं है, टू बिलोंग्स टू ए, कर्ली ब्रैकेट वन कॉमा टू बिलोंग्स टू ए, समझ में आया? और ये जो है ना कर्ली ब्रैकेट वन एंड कर्ली, और ये वन, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसको दिमाग में डालो ये चीज़, समझ में आया, समझ में आया? इतना तो हाँ क्लियर भैया, सबको बोल रहा हूँ, हाँ ध्यान भैया, सुनो स्पंदन, अच्छे सुनो, हिंदी से मैं समझा रहा हाँ हूँ, भाई, जी तुम। हाँ भाई, तो अब देखो तुम्हें बोल रहा हूँ, किधर तुम्हें एक एग्जांपल ले लेते हैं ठीक है, तुम्हें मैं एक्स के फॉर्म में समझाने की कोशिश किया, मैंने मुझे लगता है कि एक्स में तुम्हें डाउट हो रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, बट तुम नॉर्मली एक्स लेके पहले करना ठीक है, चलो ठीक है इधर देखते हैं। अब देखो तुम्हें मैं इसका मतलब समझ में, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में, इफ एक्स बिलोंग्स टू, भैया मुझे अलाउ कीजिए, अलाउ किया, एक जगह से आउट हो, एक जगह से बंद करो, दोनों जगह मत चलो ठीक है, आवाज़ ये होगा, एक इधर देखो,
अब तुम्हें बोल रहे कि इफ वीडियो ऑन कर, वीडियो ऑन कर। देखो एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है कि एक, देखो सुनो मैं जैसा बता रहा हूँ ना वैसे ही करना। तुम एक ए सेट ए बनाओगे, उसमें एक एलिमेंट लोगे, सेट एक ए बनाया उसमें एक एलिमेंट लिया अपन, क्लियर है आया ना। हाँ भाई, अब हाँ ये भैया, कि ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, ए तो बन चुका है, ए मेरा कंप्लीट ये वाला है, बट ये जो पूरा ए है ना वो बी का एलिमेंट है। अब बी का एलिमेंट ना, बी के अंदर में वो कंप्लीट ए रहेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, कहीं कर्ली ब्रैकेट में अंदर में जो भी रहता है वो एलिमेंट होता है ना, तो ए पूरा एलिमेंट हाँ होता है भाई, इस केस में। अब ए का वैल्यू क्या है ऊपर से, ए का वैल्यू क्या है ऊपर से, कर्ली ब्रैकेट वन, आया ना। हाँ भैया, तो बताओ, अब देखो हम लोग इसके अकॉर्ड, इसके देखो ये दिया हुआ था इसलिए हम लोग ये बनाए ये चीज, एंड ये दिया हुआ था इसलिए हम लोग ये बनाए। अब हमें चेक करना है कि हम जो एक्स, वो जो हम लोग ए का एलिमेंट लिए थे, वो बी का भी एलिमेंट है क्या। बोला कि देन देन चेक करो कि ये है क्या, ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे देख लो, वन बिलोंग कर रहा है कि वन डज नॉट बिलोंग टू बी, नहीं बिलोंग टू क्यों ही बिलोंग नहीं कर रहा है, ये और ये बी है, क्लियर है। बी का एलिमेंट कर ब्रैकेट वन है ना कि वन, वन तो बिलोंग नहीं कर रहा ना, ये वन किसका काम कर रहा है, ये एक्स का काम कर रहा है, ये सुनो, वन बिलोंग्स टू ए हुआ ना, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए जो बोला था, क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ आया कि भैया। हाँ हाँ समझ गया हाँ। इसलिए ये हुआ दैट भैया, स्टेटमेंट इज फॉल्स, समझ नहीं आया बताओ, किसको समझ नहीं आया बताओ, ये वाला बिट वन वाला भाई, जिसको नहीं आया पूछ लो बता दूंगा मैं। किसको समझ नहीं आया, आपको आया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, देखो बोल रहे क्या, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन हमें बोला है क्या ए बिलोंग्स टू सी करेगा। देखो हम लोग जब बनाएंगे ना, हम लोग जो सेट बनाएंगे ना, सुनो ये सब कुछ सुन रहे हो, हम लोग जो सेट हाँ कंस्ट्रक्ट भैया, करेंगे, हम लोग ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो इफ के बाद वाला है ना यहाँ तक उसको होल्ड करें, मतलब वो उस इसको देख के ही हम लोग सेट बनाएंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए यहाँ तक, मतलब ये इफ वाला के बाद। अगर अभी अगर हम लोग बना लिए फिर हमें खुद से चेक करना है कि वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो एक सेट ए बनाओ जो बी का सबसेट होना चाहिए, एक ए बनाओ और एक बी बनाओ, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए सबसेट बी होना चाहिए। तुमको पता है ए सबसेट बी का मतलब क्या है, ए सबसेट हाँ भैया, ये बहुत तो बढ़िया, सारे एलिमेंट ए बी का में सारे होना चाहिए। एलिमेंट बी में होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अगर ए, अगर देखो ए का एलिमेंट वन टू लिया ना, और बी का एलिमेंट में वन टू थ्री लिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए का सारा एलिमेंट, देखो ए का सारा एलिमेंट बी में दिख रहा है मुझे, बी में एक्स्ट्रा ये बी एलिमेंट देख सबसे रहा हूँ तो नहीं। हमें कंडीशन क्या बोलता है, ना, सबसेट होने का कंडीशन क्या है सर, कि आपका जो ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, तो ए सबसेट बी कहलाता है, ठीक है। तो वो तो है, देखो देखो हमें, अब तुम जब भी एग्जांपल बनाओगे ना, तुम हमेशा इजी बनाना, तुम मत ले लेना ज़्यादा बहुत बड़ा, हमें बस जो बोला है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेना है। हम एक सेट ए बनाए जिसका एलिमेंट कैसा दे दिया, हम एक बी बनाए बट सबसेट होना चाहिए, इसलिए वन कॉमा टू ले लिया, ठीक है। वन देखो ए का सारा एलिमेंट बी में आया ना, बोलो आया ना। अब देखो सी ऐसा बनाना है कि बी उसमें बिलोंग करे, अरे सर बी बिलोंग करे मतलब क्या, बी एस एक एलिमेंट होना चाहिए सी के अंदर, आया ना, तब तो एलिमेंट कहलाएगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो रे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुम लोग जो मजाक कर रहे हो ना अनुराग, देखो यार अगर ये चीज मैं अभी बता दे रहा हूँ और इधर है भैया, कुछ नहीं, नहीं दिया कुछ सुनाई नहीं दिया, जब सुनाई नहीं दिया तब तुम क्यों नहीं बोले कि भैया सुनाई नहीं दिया, मतलब भैया, अभी अभी जस्ट 2 सेकंड हुए। ठीक है मैं तुमको बोल रहा हूँ कि अभी मैं बता रहा हूँ ना, तो ध्यान से सुन लो, अगर अभी नहीं समझ में आया तुम हाँ बोल दिया ना, फिर बाद में तुम बोलोगे, ऑफकोर्स अभी मैं समझा दे रहा हूँ, तुम लोग बोलो समझ में आ रहा है ठीक है, और मैं रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूँ, तो बाद में अगर बोलोगे यही क्वेश्चन समझाने, देख लो फिर मैं यही रेफर कर दूंगा, फिर देखना, क्योंकि इसलिए मैं रेफर कर रहा हूँ इसी पर्पज से, क्योंकि अभी तो मैं यही बोलूँगा ना। चलो ठीक है,
ये चीज समझ में आया। अब मुझे बताओ, देखो ये जो बी है ना, सी का एलिमेंट होगा, मतलब ये जो पूरा बी है ना, ये पूरा बी सी के अंदर दिखना चाहिए। तो मैं क्या किया, देखो पूरा बी कैसा है, 1,2 करली ब्रैकेट है बी, रख दिया। अब सी में कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, सबसेट करने के लिए मैं 3 भी डाल दिया, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। तो यहाँ पर देखो, बराबर। अब देखो ये जो था ये होल्ड कर रहा पूरा, ये तीनों को देखो, ये ट्रू कर रहा ना, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब हमें चेक करना है क्या ए सी को बिलोंग कर रहा है, क्या ए सी को बिलोंग कर रहा है। अब ए सी को बिलोंग करने के लिए कैसा एलिमेंट दिखना चाहिए सी के अंदर में, कब बिलोंग करेगा, जब ए के भैया अंदर, एक का सारा सब मतलब ऐसा दिखना चाहिए ए के अंदर, सी के अंदर में क्या दिखना चाहिए मुझे, ऐसा दिखना चाहिए, होगा। ऐसा ये दिख रहा है क्या सी के अंदर, बताओ। कर्ली ब्रैकेट 1 दिख रहा है कहीं पे भी, कर्ली ब्रैकेट 1 दिख रहा है बताओ, कहीं पे भी कर्ली ब्रैकेट 1, सिर्फ मतलब सिर्फ ये दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है क्या, है ना, बोलो। यहाँ देखो और बताओ दिख रहा है क्या, नहीं भैया, नहीं दिख रहा है। बोलो सिंस कर्ली ब्रैकेट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है, समझ आया। ओके भैया, ओके। ये क्या हुआ, 1 जो ना और बिलोंग नहीं कर रहा सी में, हेंस। बट हमें बोला था कि क्या ए बिलोंग कर रहा है, हम इसके अकॉर्डिंग दोनों ले लिए, बट ये बिलोंग ही नहीं कर रहा, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हेंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ट्रू फॉल्स है बोलो, बाकी भी बताओ या कर लो क्या, ऐसे ही करना है। भैया। भैया ट्रू वाला सब बता दो, फॉल्स वाला हो जाएगा। ठीक है, ट्रू वाला बताता हूँ। नेक्स्ट वाला जो करते हैं वो तो क्या है, बिट 3 वाला स्टेटमेंट क्या बोला, देखो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो बोला कि देन ऐसा होगा कि ए भी सबसेट होगा सी का। देखो ए सबसेट बी एंड क्या है, बी सबसेट सी है, समझ में आया। ये चीज होगा समझ में, इधर देखो इधर देखो, ये तो तुम लोग क्लियरली दिख रहा है ना कि ए ए सबसेट बी का मतलब क्या है, ए का सारा एलिमेंट बी में आया ना, इसका मतलब तो ये होता है ना, आया ना। हाँ भैया, और बी सबसेट सी है मतलब बी का सारा एलिमेंट सी में आ गया ना। हाँ भैया, तो पक्का है कि ए ए का भी सारा एलिमेंट होगा, जे भी पानी में, समझ आया कि नहीं आया, बताओ समझ आया, बोलो रे समझ आया कि नहीं आया। आगे हाँ, फिर लिखने दे, तो अब देखो सुनो, ए सबसेट बी का मतलब क्या है कि लेट ए सबसेट बी है ना, इसका मतलब है कि लेट एक्स बिलोंग्स टू, लेट नहीं करो इफ कर दो, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है ना, तो इसको यूज कर लेते हैं। ए सबसेट बी का मतलब क्या है कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए करेगा ना, ये इंप्लाई करेगा कि एक्स बिलोंग्स टू बी होगा, तभी जाके तो हम बोलेंगे ए सबसेट बी है, आया ना, आया ना। अब हाँ भैया, गिवन ये भी है कि बी सबसेट बी भी है, हाँ ना, वीडियो अच्छा ये कौन था रे जो आवाज निकाल रहा था, अंशुमन, अंशुमन तुम थे, सच बताओ कि कौन था। भैया कॉल आया था, टिंग 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 टिंग। चलो ठीक है, ओके यार, मस्ती मजाक नहीं करो यार फिलहाल, अभी पढ़ लो, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो। ठीक है, अब देखो बी सबसेट सी का मतलब क्या है कि बी का सारा एलिमेंट सी में है, मतलब अगर एक्स बिलोंग्स टू बी कर रहा है ना, इफ एक्स बिलोंग्स टू बी कर रहा है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि एक्स बिलोंग्स टू सी, हम लोग क्या कर रहे हैं, बस डेफिनेशन डाल रहे हैं, इसका डेफिनेशन डाले और इसका डेफिनेशन यहाँ डाले, समझ में आया। अब बोलो कि अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है तो वही एक्स बी में भी बिलोंग कर गया, वही एक्स सी में भी बिलोंग कर गया, मतलब जो एक्स वाला ए वाला था। तो देखो ये सबको देख के मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ये बोलने के लिए मुझे क्या चाहिए कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए होगा तो ये होना चाहिए, ये इम्प्लाई करना चाहिए एक्स बिलोंग्स टू सी। देखो ये एक्स बिलोंग्स टू ए कर रहा है और वही एक्स सी बी में बिलोंग कर रहा है, तो ये हो गया ना, ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी, आया ना, आया ना, बोलो समझ आया कि नहीं आया। हाँ भैया, हियर क्लियर है तो,
बहुत बढ़िया। तो यार देखो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, ये हो गया एंड, क्लियर है ना? ये सब करती, ये ट्रू हो गया, समझ में आया? देखो अब जब हम लोग ट्रू वाला स्टेटमेंट होता है भैया तो हम लोग एक्स ले करते, एग्जांपल नहीं। अब देखो ट्रू और फॉल्स तुम लोग ना सेट देख। भैया हाँ बोलो रे भैया, अगर एक तो है मतलब एक्स बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए होगा तो एक्स बिलोंग्स टू ए भी होगा। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। इधर देखो भाई तुम लोग पावर सेट का मतलब समझ में आया था? तुम क्या बोलो अगर एक्स बिलोंग्स टू ए होगा तो एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए होगा, ये गलत है, ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ए का सबसेट, ए का सबसेट मतलब क्या, सबसेट कैसा बनता है, सेट है ना, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहता है, ये सुनो, जितने भी सबसेट्स होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहते हैं, मतलब तुम पावर सेट ऑफ ए के अंदर में देखोगे ना तो कर्ली ब्रैकेट में मिलेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, देखो इधर देखो, ए देखो चुका है मेरा 1.2 है, हाँ कि ना, हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलो। हाँ भैया बताता हूँ यहाँ से एग्जांपल, एग्जांपल सुनो, जब भी तुम्हें अगर कोई डाउट होता है ना तो एग्जांपल ले लो ना, और फिर देख लो कि ए का जो एलिमेंट है वो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है कि नहीं। ए का एलिमेंट क्या है, 1 और 2 है। अब पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ ए होता है ना, तो तुम ए का सबसेट निकालो। ए का सबसेट कितना होगा, कितना तो ए का सबसेट होगा सबसेट ऑफ 2 ब्रैकेट ऑफ 2 5 भैया 4 होगा, 4। रुको रुको मैं लिख देता हूँ, सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या है मेरा, एक पाई है, एक 1 भैया 5 होगा, फिर ब्रैकेट ऑफ 1 2 और 1 2 1.2 समझ में आया, ये सबसेट्स। क्या बोल रहे हो तुम भैया, वही वाला ये हुआ ना। अब देखो अब मैं तुमको क्या बोला भाई, पावर सेट का अंदर में क्या रहता है, सारा सबसेट रहता है, सबसेट का कलेक्शन रहता है जिस सेट का तुम निकाल रहे हो, ठीक है ना, सारा सबसेट के अंदर आ जाएगा। देखो सारा सबसेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो पावर सेट ए का अंदर क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट डालोगे बड़ा सा, अब ये सारा चीज़ क्या है, एलिमेंट है, मतलब सबको अंदर डाल दो, मतलब 5 भी आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट 1 भी आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट 2 भी आ जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट 1.2 भी आ जाएगा, क्लियर है हाँ कि ना। अब मुझे बताओ ए का एलिमेंट क्या था, 1 belongs to A था, बताओ 1 belongs to P of A और है क्या? नहीं भैया। तो बस यही तो मिल गया ना, ये जरूरी नहीं है, मतलब नहीं करेगा भैया। और एक और एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ और भी क्वेश्चन क्या भैया, पावर ऑफ ए एक तो मतलब एक दिया है, इफ पावर ऑफ ए इक्वल टू पावर ऑफ बी देन प्रूव ए इक्वल टू बी। हाँ तो ये तो इजी है ना सर, अगर पावर ऑफ ए भैया मैं, हाँ बोलो भैया मैं इसको ऐसे किया था, एक्स बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए सो एक्स बिलोंग्स टू एस ए, ऐसे करके कर दिया था। नहीं नहीं ऐसे नहीं कर रहा, मैं तुमको बता दे रहा टेक्निक, मैं जब वहाँ पर मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन बोर्ड में, तब तो तुम्हें ये क्वेश्चन देखे थे ना, वो क्वेश्चन को देखो वापस जहाँ पर मैं पढ़ाया था, हाँ कि ना, तो कोई नहीं करवाया हूँ ये सब क्वेश्चन का, सारा क्वेश्चन करवाया यार। ये कौन सा क्वेश्चन बताओ, एनसीईआरटी का मिसलेनियस का? भैया मिसलेनियस का नहीं है, मैं ऑनलाइन में देखा था। अरे नहीं ये क्वेश्चन में करवाया हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ भैया करवाया थे भैया, भैया ये सिक्स नंबर बोलो करवाया हूँ कि नहीं, कॉपी चेक करो। हाँ भैया करवाया हुआ है, ट्यूशन का सारा चीज किया करो ना, जैसा बताया जाता है उसको हर चीज, तेरा ट्यूशन में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको करो अच्छे से। इशू नहीं कर दिया, 100 वाले चुनी कर दिया एलिमेंट भैया, इसको एलिमेंट लेके करना है क्या, एग्जांपल लेके करना है? देखो इक्वल के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे का सबसेट दिखा दो भाई, डन इट एक्स आया ना, गुड एलिमेंट टू एक्स बिलोंग। इधर देखो बता रहा हूं, एटी जाओ यार उल्टा करो। अरे सर देख लीजिए सर, आपको बता रहा हूँ मैं, अगर ए इक्वल्स टू बी है ना, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बताया था अगर मैं ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए दिखा दूँ तो मेरा बात बन जाएगा इक्वल्स टू बी, आया ना, आया ना? हाँ बे ध्यान से स्क्रीन में। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है पी ऑफ ए में, समझ में आया? हाँ भैया, मतलब कोई भी एक एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए का, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा वो सेट, पावर सेट में क्या होता है बताओ, ए का सबसेट होता है ना, ये सब ना ए का। हाँ भैया। सर हाँ भैया वेरी गुड, तो एक हाँ भैया तुम लोग को मैं वहाँ पर जिसे बताया था ना वो कॉपी में तुम लोग देख लो नोट्स, वैसा जैसे बताया था वैसे भी कर सकते हो, अब यहाँ पर भी कर सकते हो। अब देखो कोई भी एलिमेंट अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो पक्का वो है कि वो एलिमेंट ए का सबसेट है, हाँ कि ना,
तो पावर सेट का एलिमेंट होता है, अभी जो बताया ए का सबसेट तो पावर सेट का एलिमेंट होता है। इधर देखो ए का सबसेट तो पावर सेट का एलिमेंट होता है। अच्छे से देखो ये चीज, बोलो समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताओ। हाँ भैया, तो तुम लोग ना ऐसे कर सकते हो, देखो और एक टेक्निक है, तुम लोग थोड़ा सा ना बेसिक में जाओ, तुम लोग जरूरी नहीं हर चीज तुम लोग मतलब रट्टा मारो, मैथ्स का रट्टा मारना ही है तो समझना है, ठीक है, क्लियर है। इधर देखो बस हमें क्या करना पता है, हमें ना पावर सेट में बिलोंग करना है। तुम ना एक चीज में तुम लोग वहां पर भैया वॉइस कट है, कट है वॉइस, आया वॉइस है, वॉइस आया क्या, आया ना। ये देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, और तुम लोगों को एक तरीका बता चुका हूँ, तुम लोगों को तरीका क्या बताया हूँ कि जब भी तुम लोगों को जो भी लास्ट में प्रूफ क्या करना है, एक को सुबह प्रूफ करना है, एक को सुबह प्रूफ करना मतलब तुमको पक्का है कि मैंडेटरी स्टेप ही करना ही पड़ेगा, तुम एक को सुबह करोगे, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ पढ़ाई में फोकस कर लो, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब देखो तुम क्या करो पता है, लेट ये एक्स ले लो एक जो कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहा है, और बता दो कि एक्स जो है ना वो ए का सबसेट है, हाँ कि ना, हाँ है ना, लिए हाँ ये क्या समझ में, देखो ये लग क्यों किए, क्योंकि हमें पता है ये पावर सेट ऑफ ए का अंदर जो होता है ना एलिमेंट वो क्या होता है, सबसेट ऑफ ए होता है, सबसेट ऑफ ए होता है ना, इसीलिए मैं क्या किया ए का एक सबसेट ले लिया है, देखो ये वाला क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है, अगर x ना a का सबसेट है मतलब x क्या होगा, पावर सेट ऑफ a का एलिमेंट हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, एलिमेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ a, x क्या है सबसेट ऑफ a, तो x पावर सेट ऑफ a, ये समझ नहीं आया तो पूछ, नहीं आया तो बता पूछो, मैं बता दूंगा। देखो मैं तुमको क्या बोला कि a का जो सबसेट होता है ना वही पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट होता है, मतलब इसके अंदर जाएगा ये एक्स, क्लियर है वही चीज, हाँ भैया ये एक्स सर्किट ब्रेकर के अंदर है, मतलब ये एक्स क्या कर रहा है, इसका एलिमेंट मतलब बिलोंग करेगा, मतलब ये चीज, हाँ या ना, बोलो समझ आया कि नहीं, हाँ भैया बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो, अब बताओ क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये तुम्हें दिमाग में रहना चाहिए, गिवन क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, और हमें प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू, जैसे तो हम लोग एक जगह में क्या डाल दूंगा, p of b डाल दूंगा, रीजन क्या है, सिंस p of a इक्वल्स p of b, यस और नो बताओ, है ना, समझ में आया, x ना p of b, देखो कोई भी x में बोल रहा हूँ कि वो पावर सेट का एलिमेंट है, इसका मतलब है कि ये b का, सिर्फ b का सबसेट हो, इसका ये मतलब नहीं कि x है वो b का सबसेट हो गया, आया ना, भैया अनुराग सो रहे अनुराग, अच्छा मुझे बताओ पी ऑफ बी के अंदर में क्या एलिमेंट रहेगा, बताओ सर कौन बताएगा, भैया थोड़ा स्क्रीन दिखा दीजिए, याद रखने बोल रहा हूँ, याद रख रहे हो कि नहीं कर रहे हो पता नहीं, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, अगर एक सेट ए है ना, तो अगर मैं ए बोल रहा हूँ इसके अंदर में क्या एलिमेंट है सर, इसके अंदर में सबसेट ऑफ ए है, दिमाग में डालो इसको, ए का जितना भी सबसेट निकालोगे उसका एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए, अगर बी का एक सबसेट लिया हूँ, मतलब देखो तो बी का सबसेट पावर सेट का एलिमेंट है तो पक्का वो सबसेट होगा बी का, ये पावर सेट ऑफ बी के अंदर क्या रहता है, पावर सेट ऑफ बी के अंदर क्या रहेगा, सबसेट ऑफ बी नहीं रहेगा, एलिमेंट बी का एलिमेंट, बी का एलिमेंट, बी का एलिमेंट, बी का सबसेट क्या होता है, समझ में आया, बी का सबसेट, बी का सबसेट, वेरी गुड, बी का सबसेट रहेगा पावर सेट के अंदर में, जो भी है देखो ये एक्स क्या कर रहा था, ये एक्स क्या कर रहा था, एलिमेंट था, एक्स क्या कर रहा था, पी ऑफ बी का एलिमेंट था, एलिमेंट था मतलब सिर्फ बी का सबसेट होगा, सिर्फ बी का सबसेट, तो ये लिखा हो, समझ आया ना, हाँ भैया, अगर सबसेट है
सबसेट कब होता है, मतलब सारा एलिमेंट बिलोंग करता तब तो सबसेट भैया नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, क्या नहीं आया, क्या नहीं आया मतलब भैया वो बी सबसेट है, सबसेट कहा लिखा हूँ मैं भैया, वो अलग ही दुनिया में छोड़ चुके हैं। तुम्हारा ध्यान टोटली नहीं है, सही बता रहा हूँ। मैं बोला हूँ ना क्लास 10 तक अलग था ब्रो, यहाँ ध्यान नहीं दोगे ना दिन पे दिन वेस्ट करते जाओ, खत्म, लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा। क्लास 10 से ऐसा नहीं है कि तुम्हें टाइम मिल जाएगा, सच बात है, मानना है मानो, नहीं मानना है तुम अपना फिर समझ लेना, मेरा काम है बताने का, मैं बता रहा हूँ। ऐसे मजाक मस्ती में रहोगे जाएगा, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनोगे सब समझ में आएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ हिंदी से बता रहा हूँ, एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहा। बताओ क्या डाउट है, तुम बोलो ए सबसेट बी, भाई ए बी कहाँ लिखा होगा, दिखाओ जरा कहाँ लिखा हो, मुझे दिख नहीं रहा, बताओ कहाँ लिखा होगा, कौन सा लाइन बोल रहे हो, बताओ जरा। अंशुमन बताओ, माइक ऑन करो, बोलो स्पंदन, कोई डाउट है तुम्हें भैया, मेरे लैपटॉप ही खराब हो गया भैया, वो ऊपर वहां पर बी सब्सिडी लिख रहा है, फोन में ही ठीक है, छोड़ो भैया, मेरा ये वाला डाउट है भैया, क्या डाउट है, हेलो बोलो बोलो, क्या डाउट है, सुन लो भैया, वो स्क्रीन थोड़ा दिखाइए, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें भैया, वो पी पी ब्रैकेट ए वो पी इक्वल्स टू बी और बी, वहां तक थोड़ा समझा दीजिए, फिर से स्टार्टिंग से तो समझा दीजिए। तुम तब से क्या कर रहे थे, जब से मैं बताया था, मैं स्टार्टिंग तो नहीं बताया कि मैं कहीं बीच से बताया कि ये सब लिखा, मैं खुद ही लिखा हूँ यहाँ पे, तो जब तुम्हें यहाँ पे जब ये स्टेप मैं लिख के पार करके ये स्टेप में आया, तो तुम्हें अगर ये स्टेप समझ नहीं आता तो तुम्हारा काम पूछना यहाँ पे है ना, क्या ही कर रहे हो यार, अब आज से डाउट है, तो तुम तब क्यों नहीं पूछे जब ये स्टेटमेंट लिख के मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा था ये चीज जो कि इसके बाद लिखा मैं, तुम यहाँ पे क्यों नहीं पूछे तब, जब समझ नहीं आया तुम्हें भैया, मैं फोन में ज्वाइन किया, लैपटॉप का माइक ही काम नहीं कर रहा था, तुम यार क्या ही कर रहे हो, चलो ठीक है छोड़ो, मेरा मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो समझे, पावर सेट ऑफ ए का मतलब पता है तुम्हें, ए का सबसेट कहते हो निकालते हो पता है तुम्हें, हाँ बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ए का एलिमेंट है तुम्हारा ए बी सी, हाँ बताओ इसका सबसेट बताओ, सारा सबसेट सब ए बताओ, क्या क्या होगा भैया, ए बी सी ए बी बी सी, यार रुकिए, पूछा गया है क्या, अंशुमन तो पूछा गया, थोड़ा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बोलो अंशुमन सर, बोलिए सर, अगर आपको ये इसका मतलब नहीं पता फिर आप ये कैसे करेंगे भैया, ए बी ए बी मैं मतलब ए बी ऐसे ए बी बी सी और एक तो ए बी बी सी और हाँ वही तो को नहीं पता है, हाँ भैया ए बी बी सी, सुना अंशुमन, ए बी बी सी और वो जो लिखते हैं एम्प्टी सेट, आपका कंसेप्ट टोटली नहीं है, पूरा 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 गया है, नल सेट पूरा, अरे रुको, अरे ये क्या नाम है इसका, स्पंदन ए बी सी इसका सबसेट बताओ, स्पंदन ओपन योर माइक एंड स्पीक नाउ, सबसेट बताओ, सबसेट ऑफ ए, स्पंदन सर प्लीज, भैया क्या वो बोल देगा, बोलिए जीरो क्या, हेलो भाई सुने जरा, ए बाकी माइक बंद करो, बाकी सबको माइक बंद करो, देखिए भैया बोलो रे स्पंदन, बोलो इसका सबसेट क्या है बताओ, हेलो हाँ इसका सबसेट क्या क्या है बताओ, ए का भैया मैं बोलूं फिर से, भैया मैं बोलूं, मैं बोला तुम्हें बोलने नहीं ना, रुक जाओ स्पंदन भैया, सॉरी सॉरी वो थोड़ा रॉन्ग हो गया, रुको बोला फिर ना, से बोल रहा हूं, रुक जाओ, अरे यार मैं भूल गया, माइक बंद, हां स्पंदन बोलो रे, हेलो ए ब्रैकेट क्लोज एंड ऑफ ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी,
जो ब्रैकेट ब्रैकेट रहेगा हाँ उसके बाद एबी ठीक है। अच्छा मुझे उसके बाद बताओ बीसी इसका कितना एलिमेंट हुआ, नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ, नंबर ऑफ उसके सबसेट। अरे उसके बाद बोल नहीं, स्पंदन लेट स्पंदन स्पीक फर्स्ट। नो स्पंदन बोलो। आठ आठ उसके बाद बीसी अरे अंशुमन तुम्हें समझ आता है आठ हिंदी, कैसे हो रहा है रे। उसके रुक जाओ। ए बोलो ए, इसका हाँ तुम सबसे बाद भैया मैं बीसी समझ गया मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कंप्लीट करो ए। हाँ भाई उसके बाद बीसी और क्या एसी एसी और कुछ है कि यहाँ पर खत्म। और कुछ है तुम लोग यार सेट का एग्जाम देने जा रहे थे, तुम्हें सब सेट पता नहीं है, तुम लोग सेट का एग्जाम देने जा रहे थे। बोलो भाई क्या है आगे। अरे सर आपको पता है, आपको एक चीज हेलो पता है लाइन इधर भाई हेलो आपको, तुमको आवाज नहीं आ रहा क्या, मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या, बाकी सबको मेरा। दे रहा है कि नहीं दे रहा आवाज, बोलो। मैं आ रहे आ रहे हाँ भाई वो भी होगा ना एबीसी एबीसी हाँ एबीसी भी हुआ, चलो ठीक है रुको रुको, एबीसी भी बोल रहे, एबीसी हो गया, इतना ही है। नहीं भाई वो दो तो है और दो टो है। अरे सर आपको पता है, आपको पता है कि अगर एक सेट में एन एलिमेंट होता है, अगर एक सेट में एन एलिमेंट होता है तो उसका क्या टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, पता है तुम्हें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, कितना होता है बताया था सर, 2 टू द पावर n होता है। अगर तुम लोगों को पता नहीं, तुम लोग घर में पढ़ाई करते हो, सिर्फ स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन कर रहे हो, बस उतना ही, भाई सेल्फ स्टडी कौन करेगा, कौन चीजें भैया भैया वो पूरा बोला था क्या बोला था, 5 बोला था वो। हाँ भैया फाइव बोला था और एबीसी भी बोला था अच्छा बोला था क्या, तो चलो ये 5 है और ये एबीसी, तो ये हो गया सबसेट ऑफ ए, समझ में आया स्पंदन। और यहाँ पर तुम 9 कैसे बोल रहे थे, क्या सोच के 9 बोल रहे थे, हाँ भाई अब ये यहाँ पे बोल रहा था मैं ए में 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे एन की जगह 3 डालोगे, यहाँ पे एन की जगह 3, 2 2 3 8 होता है। भैया वो 1 0 सोच रहे थे जीरो हाँ वो 0 गलत बोल दिया था, 5 बोलते हैं उसको, नाम नहीं पता तो पूछ लो, 5 बोलते हैं उसको। ठीक है स्पंदन और अंशुमन, तुम्हें मैं जो वीडियो रिकॉर्ड किया था ना, मैं वापस दूंगा उसको, वापस से सुन के अच्छे से लिखना, ये तुम्हारा होमवर्क है। भैया वो भैया भाई मैं जाओगे या सच्ची नहीं, बोल रहा हूँ भैया, मेरा नेट खत्ते ही अच्छा नहीं है पता है भैया, तुम्हारा मैं जानता हूँ ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम्हारा जो होमवर्क दिया गया है ना वो कर लेना, समझ में आया, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ ओनली फॉर अंशुमन। एक वीडियो दूंगा वो सेट्स का जो मैं बनाया कौन था, सा भाई होमवर्क एक वीडियो दूंगा मैं सेट्स का जो बनाया था, उसको पूरा अच्छे से कर लेना, बता रहा हूँ। समझ यहाँ तक समझ में आया सबको, बताओ तुम्हारा काम है अंशुमन। यार ये वीडियो, ये जो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा नहला, वापस इसको देखना ठीक है, तुम्हारा ध्यान टोटली नहीं है पढ़ाई में, पता नहीं। हाँ भैया अब सुने ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब देखो अगर एक्स बी का सबसेट है, मतलब एक्स का सारा एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ट्रू है या फॉल्स है, हाँ भैया होगा। तो यहाँ पे देखो ये ट्रू छोटा एक्स, मतलब भैया छोटा एक्स बड़ा एक्स का एलिमेंट है, मैं क्या बोला, बड़ा एक्स का सारा एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा, क्योंकि सबसेट है यहाँ पे, यहाँ पे देखो सबसेट है, तो ये जो छोटा एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स में, मतलब ये एक्स बी में बिलोंग करेगा, हाँ हाँ भैया हाँ कि ना। बिल्कुल और यहाँ पर देखो ये जो एक्स, यहाँ पर एक्स सबसेट था, यहाँ पर हाँ भी है, भैया वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ना एक चीज और मेंशन करना कि एक्स बिलोंग्स टू ए है, लेकिन अगर ये इसका मतलब क्या है कि सारा एक्स का सारा एलिमेंट ए में है, इसका तो मतलब ये है ना सबसेट है, तो ये जो एक्स है वो ए का भी एलिमेंट हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दे रहा हूँ ठीक है। तो अब देखो हम लोग प्रूव कर दिए कि एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड हम लोग प्रूव कर दिए कि एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब हो गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, आया ना, समझ में आया इतना, ये चीज क्लियर है, आया ना, बोलो। हाँ भैया
अब इसको उल्टा करेंगे, अब हमें बी सबसे ए भी दिखाना है ना। हाँ भैया, हम बी सबसे ए दिखाएंगे ना, तो ये अभी तुम क्या करना, एक वाई इसका उल्टा टेस्ट कर लेना, जहां भी स्मॉल एक्स दिख रहा है स्मॉल एक्स को स्मॉल वाई से रिप्लेस करो, और एक्स को कैपिटल वाई से रिप्लेस करो, और ए का जगह बी डालना ऊपर कटिंग पे बी। तो क्या मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। हां भैया बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि लेट y belongs to क्या हो जाएगा, कैपिटल y, ठीक है, और ये y को ना मैं सबसेट ऑफ b ले रहा हूँ पहले, समझ में ना, और ये इसका मतलब ये कि x belongs to हो जाएगा मेरा, x belongs to b हो जाएगा क्योंकि y का सारा एलिमेंट b belong करेगा। नहीं समझ में आया तो पूछ लो, जो तीनों चीज़ लिखा हूँ उसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। ये छोटा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, y का एलिमेंट है, और ये मैं बोल रहा हूँ कि y सबसेट b का, मतलब y का सारा एलिमेंट b में है, तो y का एलिमेंट जो x y था स्मॉल वाई, मतलब स्मॉल वाई यहाँ पे स्मॉल वाई होगा, ठीक है, अला स्मॉल स्मॉल वाई क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा बी का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, ये लाइन पूरा क्लियर है सबको, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, किसको क्लियर नहीं है वाला पहला लाइन, किसको समझ नहीं आया बताओ, मैं बोल रहा हूँ, हाँ बताओ किसे समझ नहीं आया, कहा अरे आ गया नहीं आया तो बोलो, आ गया, हाँ बताओ क्या हुआ, आ गया नहीं आया बोलो रे, अरे यार तुम लोग क्या करते हो यार, हाँ भैया, हाँ भैया बोलो ना भैया, हाँ भैया ठीक है भैया, और कोई नहीं बोल रहा है, सब लोग चुप हो गए। देखो देखो y क्या है, b का सबसेट है ना, y क्या है b का सबसेट है, मतलब क्या है कि ये y और सेट ऑफ क्या होगा, एलिमेंट होगा ना, y बिलोंग्स क्या होगा, आया ना बोलो, अरे सर ऑफिस में अंदर में क्या रहता है भैया, भैया भैया एक चीज सुनोगे भैया, भैया अभिषेक ही नहीं है, अभिषेक नहीं है लोगों नाम में क्या ही, नहीं छोड़ो मैं क्या दोबारा दोबारा नहीं बताऊंगा, ये रिकॉर्डेड है इसलिए तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ इसको, यूट्यूब में डाल दूंगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, इतना वाई इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर वाई बी का सबसेट है ना तो पक्का पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ बी के अंदर में क्या रहता है, बी का सबसेट रहता है क्योंकि वाई है, क्लियर है, एलिमेंट हो गया। अब देखो ये वाई एलिमेंट है, मैं बताया कि पी ऑफ बी और पी ऑफ ए इक्वल है, तो मैं पी ऑफ बी के जगह में पी ऑफ ए डाल दूँ, ये इक्वल दिया हुआ है, बोलो रे समझ नहीं आया, ये आ गया, मैं जब बोलता हूँ ना वही चीज सोचा करो, ठीक है, तो समझ क्यों नहीं आएगा। अब देखो अब ये एलिमेंट है ना, पक्का ये ये सबसेट है, सेम स्टेप करना है ए का, अगर ये वाई पी ऑफ ए में बिलोंग कर रहा था, ए का सबसेट तो बिलोंग कर रहा, ये इसको ना याद करो, इसको याद कर लो तभी इसको वन ले लो और इसको टू ले लो तो फ्रॉम वन एंड टू प्रूव हो गया, फ्रॉम वन एंड टू ए सबसेट बी एंड बी सबसेट अप्रूव हो गया, तो ए इज इक्वल टू बी, क्लियर है कि नहीं क्लियर, अप्रूव बताओ, किसे समझ नहीं आया, कहाँ नहीं आया बताओ, हो गया भैया, चलो ठीक है, आज के लिए काफी है, जो डाउट होगा पूछ लेना, और भी यार कितना घंटा हो गया, ये 44 मिनट हुआ ना, रुको रुको।